क्या मेरी एक हेल्प कर सकती हो आप? ओए पहले तो दूर हट के बात कर, चल दूर हो। वो ना मैडम, मैंने ना 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तो क्या आप मुझे रोटी खिला सकती हो? मैंने कहा ना दूर हट के बात कर, और मेरे पास कुछ नहीं है। मैडम मैंने ना सच में 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बस एक रोटी खिला दो आप, बस सिर्फ एक रोटी। तेरे को समझ नहीं आती है, मैंने बोला ना मेरे पास कुछ नहीं है, निकल यहाँ से। मैडम प्लीज एक रोटी। एक बार समझ नहीं आता है, निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, झूठा ड्रामा करते हैं बस ये कि कुछ नहीं खाया 2 दिन से। भैया मैंने ना 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बस मुझे एक रोटी खिला दो। एक काम करता हूँ, मैं तुझे कुछ पैसे देता हूँ, तू जाके खाना खा लियो। नहीं भैया आप मुझे पैसे मत दो, सिर्फ एक रोटी खिला दो। बस एक रोटी में तेरा पेट भर जाएगा? हाँ भैया, कम से कम किसी की गाली खाने से अच्छा एक रोटी मिल जाए वही बहुत है। ये ले तू कुछ पैसे रख। थैंक यू भैया। और एक काम कर, तू जा आराम से खाना खा, और अगर तुझे कोई भी दिक्कत हो, काम वगैरह करना हो, तो मैं यहीं पास में रहता हूँ। किसे ही पूछ ले कि सुमित का घर कहाँ पे है, भेज देगा। भैया आप ना बहुत अच्छे हो, धन्यवाद। जा तो आराम से खाना खा। बड़ा ही पैसों का घमंड है। जी पैसे का घमंड तो नहीं है, लेकिन मैं किसी की तरह किसी को उल्टा नहीं बोलता। तुमने उसे इतने पैसे दे तो दिए, अब तुम्हारे पास जाने के लिए पैसे हैं या मैं कुछ दे दूं? वो वैसे मेरा घर पास में ही है, अगर मेरे पास पैसे नहीं भी होंगे तो मैं पैदल चले जाऊंगा। और अगर आपको पैसे देने का इतना ही शौक है तो उस बेचारे को दे देते। ऐसे लोगों के लिए ना मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ध्यान से देखो, उसका एक हाथ नहीं है, वो बस तुमसे एक रोटी मांग रहा था खाने के लिए, अगर तुम उसे वो दे देते तो तुम्हारा क्या चले जाता? ओ मिस्टर। मैम पैसों का ना कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें दिया है तो हम इतने लायक हैं कि हम किसी की हेल्प कर पाएं, और अगर भगवान ने इतना लायक बनाया है तो हमें किसी की मदद करनी चाहिए।